आप सभी का स्वागत है, वेलकम है हमारे स्कूल मौलाना आजाद में। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे मौलाना आजाद स्कूल में स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं। यहाँ स्पीच थेरेपी होती है, ओटी होती है, स्पेशल एजुकेटर्स हैं। आज हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपी होने जा रहा है उमर का, और ये नम्रा मैम है। ये है हमारे उमर, जो उमर को ओटी करना बहुत पसंद है। देखिए इन बच्चों को बस ये राइड्स करना बहुत पसंद है, लेकिन जब मैम सही तरीके से जब कराती है ना तो थोड़े डरने भी लगते हैं। ये भी है, अभी तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ग्रीन कलर बॉल, वेरी गुड। उमर को जैसा पता है कि इनको कलर आइडेंटिफिकेशन है, तो ये एलजी मैम का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं। बहुत एनर्जेटिक होते हैं डाउन सिंड्रोम बच्चे, और बहुत सोशल होते हैं। येलो कलर, और स्टूडियोस में बहुत पढ़ाई में भी काफी अच्छे होते हैं। दो उमर, इनका ये भी देखा गया है कि अपनी टीचर से इनका लगाव बहुत हो जाता है जब इनकी टीचर्स इनको बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं। देखिए किस तरह से ये इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, और एंजॉय कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ऑरेंज कलर बॉल, ऑरेंज कलर बॉल, बॉल है, बॉल है, बॉल है, बॉल है, बॉल है, बॉल है, ब्लू कलर क्या निकाला, ब्लू कलर। वेरी गुड, कम उमर, ग्रीन कलर बॉल, वेरी गुड, लाइट ड्रॉप, उमर कम, ग्रीन कलर बॉल एंड ब्लू कलर बॉल, ब्लू कलर बॉल, पिक टू बॉल्स, वन वन ग्रीन एंड वन ब्लू, वन ग्रीन उमर, वेरी गुड। हाय अबीर, हाय हाय, वहां से रिंच पिक करनी और इसमें पुट कर। मैम ये जो एक्टिविटी आप करा रही हैं, तो इससे इन बच्चों का क्या फायदा है ये एक्टिविटीज कराने से? आई हैंड कोऑर्डिनेशन इससे इम्प्रूव होगा, इससे कमांड फॉलोइंग इम्प्रूव होगी, उनकी अटेंशन इम्प्रूव होगा। दो उमर, पिक वन, येलो कलर। मैम ने ये बताया कि ये एक्टिविटी से उमर का बेहतर होगा कमांड, ये कमांड लेंगे और इनके आई कांटेक्ट होगा, कंसंट्रेशन होगा। उमर कम, ये चीज से इससे आप अपने बच्चों को ये एक्टिविटीज के थ्रू ये सारी चीजें डेवलप करा सकते हैं। इनको कमांड मिलेगा कि मैम क्या बोल रही हैं, उस कमांड को फॉलो करने का की हैबिट बनेगा, और आई कांटेक्ट होगा, वेरी गुड उमर, वेरी गुड, और एनर्जी भी डाउन होगा। ये अहमद हैं, और देखिए इनके हाथों पर टेप लगाया जा रहा है और रिंग डाला गया है इनके हाथों में। तो मैं निम्रा से पूछना चाहूंगी कि मैम इससे क्या आप करा रही है, ये क्या कहलाता है? हाथ पे टेपिंग नहीं करती, तो ये इसी चीज में इंगेज रहेगा, सेम चीज में। ओके, तो इससे डिसइंगेज करने के लिए टेपिंग चीज, ओके, जो ये सारी एक्टिविटीज कर सकते। ओके, तो
तो आप ये जान लीजिए कि इनको इस तरह से पैक करने का मकसद ये है कि ये जो एक्टिविटीज़ इनको कराई जाए वो बहुत ही प्रॉपर ढंग से ये कर सके और डाइवर्ट ना हो, अपनी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल फिनिश करे और अच्छे से करे। तो इस तरह से अहमद के हाथों में लग गया है टेप। अब अहमद सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है अहमद के साथ। अहमद आवाजें बिल्कुल नहीं निकालना है। निम्रा ने जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से ऑक्यूपेशनल थेरेपी की पढ़ाई की है और मौलाना आजाद स्कूल में इन्होंने ज्वाइन किया है। और इस तरह से अहमद, देखिए अहमद को रिंग, वेरी गुड, रिंग पकड़ो, येलो कलर रिंग पकड़ो, अहमद अहमद रिंग, अहमद बैठ के जाना है, बैठ के जाना है, बैठ के जाना है, चलो 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 अहमद, चलो अहमद अब आप समझ गए होंगे कि ये रिंग अहमद लेंगे और रिंग बॉल में डालेंगे और घुटने के बल चलेंगे। आवाज नहीं निकलनी चाहिए अहमद। अहमद ने ये टास्क से बिल्कुल फिनिश कर दिया। अब दूसरी एक्टिविटीज अहमद करेंगे। अहमद खड़े हो गए, तो पता होगा कि ये एक्टिविटी खत्म हो गई तो अब मैं खड़ा हो सकता हूँ। पकड़ो से बॉल को, चलो मैम, इससे मेरे ख्याल से ग्रिपिंग भी होगी। जो इस तरह से ये एक्टिविटीज आप करा रहे हैं तो इनकी ग्रिपिंग पावर भी बढ़ेगी। अहमद अहमद अगेन, ये बॉल की एक्टिविटी मैम करा रही है, बॉल पिक कर रही है और अहमद को कलर आइडेंटिफिकेशन भी इससे हो रहा है। रेड कलर बॉल, अहमद अहमद रेड कलर बॉल, रेड कलर पिक, अहमद पिक, अहमद पिक। अहमद कभी नहीं सुनते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो जब मैम स्ट्रिक्ट वॉइस अपना थोड़ा सा लाउड करती है तो अहमद थोड़ा जल्दी सुन लेते हैं। तो कभी इनके साथ नर्म कभी गर्म होना पड़ता है, लेकिन ये बच्चे बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। तो इस चीज का हमेशा कभी अहमद को कुछ भी हो इनसे कराना है ये एक्टिविटी। ये अपना बिहेवियर दिखाते हैं। नो अहमद, बॉल पिक करो अहमद, वेरी गुड।
काम करना है सीढ़ी, मतलब अपने जिंदगी में रोजमर्रा की जिंदगी में हर इंसान सीढ़ियां चढ़ता है, तो इस तरह से बैलेंस किस तरह से सीढ़ियों पर करना है ये इनको ये प्रैक्टिस कराई जा रही है। और बैलेंस से अपने आप को बैलेंस पे रखना है इस एक्टिविटी से यही आप सीख सकते हैं। मैं नम्रा मैम से भी पूछूंगी जितना मैं समझी हूँ। नम्रा मैम, ये एक्टिविटी से क्या है? इससे इसके अंदर बैलेंस स्टेबिलिटी आएगी और ये थोड़ा काम डाउन भी होगी। तो मैम का कहना है कि बैलेंस से स्टेबिलिटी होगी और ये जो हाइपर कलर आइडेंटिफिकेशन कलर आइडेंटिफिकेशन भी होगी और जो ये थोड़ा हाइपर हो रहे हैं तो इससे भी काम डाउन होंगे, क्योंकि ये सीढ़ियाँ इस तरह से जो लैडर है सीढ़ियाँ हैं इनको थोड़ा अट्रैक्ट करेगी। तो ये अभी पूरा हाइपर हो गए थे तो इस तरह से ये कुछ काम हो जाए। तो हर एक्टिविटीज का अपना फायदा है और किस तरह से बच्चों को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखना है ये एक्टिविटी से। ओके,